इंडिया आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज चैनल, जनता की आवाज आपके साथ। देखते रहिए दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। महाशिवरात्रि आई, सुखों की रात्रि आई, महाशिवरात्रि आई, सुखों की रात्रि आई, मगन मन डोले रे, कहो बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक आपकी आवाज। श्री बांके बिहारी मंदिर NIT 5 फरीदाबाद में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें महंत लाल गिरी गोस्वामी पंचदश नाम जूना अखाड़ा की ओर से सूचित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। महंत ललित गिरी गोस्वामी के अनुसार दिनांक 21 फरवरी शुक्रवार को बारात प्रस्थान 3 बजे होगी। अपने आमंत्रण में महंत ललित गिरी महाराज ने कहा, समस्त शिव भक्त भोलेनाथ की बारात में शामिल होकर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। फरीदाबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। हम प्रत्येक वर्ष की तरह आप देख रहे हैं लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ लोगों की भावना है, बाहर दुकानें लगी हुई हैं, फूल माला बेलपत्र और जो भी बेल सब चढ़ा रहे हैं, अपना दूध भी चढ़ रहा है और लाइनें सुबह 4 बजे से लोग यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं और ये श्रद्धा है, भावना है घर में। और 3 बजे फिर यहाँ से बारात निकलती है। शिव बारात सबसे पहले 5 नंबर में हमने शुरू की थी, उसमें भोलेनाथ बैल पे होंगे, अघोरी होंगे और शंकर भगवान एक गाड़ी के ऊपर जो नाचते हुए जो एक विग्रह होगा, रूप होगा, जिसमें जटा से गंगा भी दिखाई जाएगी और उनके साथ साथ बंचारी का नगाड़ा होगा, नाचने वाली घोड़ियाँ होंगी, ऊँट के ऊपर नारद जी होंगे, शनि महाराज जी होंगे और ब्रह्मा जी होंगे, इसी तरह बैंड होगा, ढोल होंगे। ये कहाँ कहाँ जाएगी बारात आपकी? बारात मंदिर से प्रांगण शुरू होके उसके बाद 5 नंबर सी ब्लॉक, सी ब्लॉक से डी ब्लॉक, डी ब्लॉक से मूंगफली चौक, माटा चौक जिसको बोलते हैं, वहाँ से वापस सिंह सभा गुरुद्वारा के सामने से होती हुई बिजली बोर्ड चौक, फिर निरंकारी चौक से होते हुए 4-5 चौक से पहले जो कचौड़ी वाली गली है वहाँ से होके फिर ए ब्लॉक और जे और के की डिवाइडिंग रोड से जनता बैंड चौक से फिर निरंकारी चौक होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में आके फिर यहाँ शिव विवाह होगा। उसके उपरांत हमने जो क्योंकि व्रत होता है जगह जगह स्वागत भी होगा, फिर भी हमने आलू का प्रसाद और सौंफ की खीर जो प्रसाद बांटेंगे, फिर आशीर्वाद लेके लोग प्रसाद लेके अपने अपने घर जाएंगे। मैं क्योंकि संस्कृति को जिंदा रखना, धर्म पर चल के ही कोई काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी ये हमारे देश की एक संस्कृति है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम बिजनेस करें। और मैं सबसे आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि सृष्टि के मालिक हैं, सब काम जीवन में होते रहते हैं, आज सब काम छोड़ दें और भोले की बारात में शामिल हों। जय भोले की।